सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडल, मेरे सहकर्मी और उपस्थित सभी विद्यार्थी, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि। जी हाँ, ये सभी वस्तुएं महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सेहत एवं स्वास्थ्य। अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात सेहत ही संपत्ति है। इस संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए केवल पौष्टिक एवं संतुलित आहार ही आवश्यक नहीं है, अपितु हमें संतुलित मात्रा में व्यायाम भी अवश्य करना चाहिए। व्यायाम के नाम पर केवल व्यायाम शाला में जाकर व्यायाम करना या एरोबिक्स के द्वारा संगीत के धुन और ताल के नृत्य करना ही व्यायाम नहीं है। इससे केवल हमारे तन को व्यायाम मिलता है, तन सुगठित एवं स्वस्थ रहता है। यदि हम अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी प्राचीन जो व्यायाम प्रणाली है जिसे योग कहा गया है उसके महत्व को समझना चाहिए। इसी योग के महत्व को समझते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में एक अंतर सदनीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसका विषय है भारतीय शिक्षा प्रणाली में योग शिक्षा को एक विषय के रूप में शामिल करने की आवश्यकता। प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले कुछ विशेष बातें मैं बताना चाहूंगी प्रतिभागियों के लिए। यह प्रतियोगिता चार सदनों के बीच में है, सुभाष, नेहरू, टैगोर और आजाद, जिन्हें ए बी सी डी तीन के रूप में नामांकित किया है। कोई भी प्रतिभागी अपना नाम एवं अपना सदन नहीं बताएगा। प्रश्नकर्ता को किस टीम से प्रश्न करना है वो मैं एक बार आपको बता दूं। जो टीम ए है उससे टीम बी का प्रश्नकर्ता प्रश्न करेगा, टीम ए से। टीम बी से टीम ए का प्रश्नकर्ता प्रश्न करेगा। इसी तरह टीम सी से टीम डी के प्रश्नकर्ता प्रश्न करेंगे और टीम डी से टीम सी के प्रश्नकर्ता। प्रतियोगिता के नियम जैसा कि रंजना धर्माडन ने बताया था मैं एक बार उन्हें हिंदी में दोहराऊंगी। हर एक वक्ता को 3 मिनट दिए जाएंगे अपनी बात कहने के लिए। 2.5 मिनट पर एक सतर्क आपको सतर्क करने के लिए एक घंटी बजेगी। 3 मिनट पूरे होने पर एक और बार घंटी बजेगी। 3 मिनट से अधिक मतलब समय अवधि से अगर आप अधिक बोलते हैं तो इसके लिए आपके अंक कम किए जा सकते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो सकती है अगर आपने 3 मिनट से अधिक बोला। इसीलिए आपको समय अवधि का पूरा ध्यान रखना है। हर प्रश्नकर्ता केवल एक ही प्रश्न पूछेगा, पक्ष से भी और विपक्ष से भी, पक्ष से एक प्रश्न और विपक्ष से एक प्रश्न। जो निर्णायक गण है उन्हें किस तरह से अंक देने हैं उसके लिए जो निर्णायक पत्रिका है उसमें जिस तरह से अंकित किया है उसी के अनुसार आपको अंक देने हैं। तो प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। मैं रचना का नाम को स्टेज पर आमंत्रित करूंगी कि वो एक एक करके प्रतिभागियों को मंच पर बुलाए। धन्यवाद भगवत सिंह मैम। सबसे पहले मैं टीम ए से पक्ष के वक्ता को मंच पर बुलाऊंगी।
योग का लोहा, विश्व ने माना योग का लोहा, योग ने सबको सबका मन मोहा, आदरणीय। एवं मेरे मित्र, आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं इस विचार के पक्ष में हूं और मानता हूं कि आज के समय में भारतीय शिक्षा प्रणाली में योग शिक्षा को एक विषय के रूप में शामिल करना चाहिए। योग एक संगीत की तरह है जो मन की मधुरता और शरीर की लय से जीवन को एक सही सिरा पर दिखाता है। योग वह भाषा है, योग आज के दौर में हम योग के महत्व को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। योग हमारे लिए बहुत जरूरी है, इससे हमारी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता बढ़ती है और हमें सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। पर लोग योग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, लोग योग को एकदम बेकार ही समझ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आजकल पढ़ाई का बोझ बहुत बढ़ गया है जिससे बच्चों को मानसिक रूप से आराम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए योग को भारतीय शिक्षा प्रणाली में आना चाहिए एक विषय के तौर पर। धन्यवाद। अब मैं तीन के प्रश्नकर्ता को मंच पर बुलाऊंगी। सुप्रभात।
समक्ष योग को शिक्षण शिक्षण प्रणाली के विषय के तौर विषय के तौर पे रखना चाहिए, इसके पक्ष में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। शिक्षा, हम लोग तो इस बात से वाकिफ ही होंगे कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। शिक्षा, जो आदमी शिक्षित ना हो उसका जीवन संघर्ष में गुजरता है। यदि यदि हम शिक्षित ना हो तो हम किसी काम के नहीं रह जाते हैं। उसी के साथ साथ आज के दौर में स्कूलों में बच्चों का पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, उसके वजह से वे बहुत सारे मानसिक रूपी बीमारियों से गुजर रहे हैं। उसी के वजह से योग एक बहुत अच्छा इन सभी चीजों का इलाज है। योग हमारे मन को शांत करता है तथा हमारे शरीर को हमारे आत्मा से जोड़ने में मदद करता है। अगर हम योग को सही तौर से करें तो यह और भी हमें फल दे सकता है। योग को पता नहीं लोग क्यों गलत समझते हैं। योग बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, मगर बच्चों को यह नहीं मालूम है कि योग से हमारे हमारे जीवन में कितने फायदे हैं। पुराने समय में साथ ही साथ आज के समय एवं कोरोना दौर में भी बहुत से लोग मानते हैं कि योग ने बहुत से लोगों को ठीक किया है। अगर हम योग को एक विषय के तौर पे नहीं बल्कि एक एक्टिविटी के तौर पे अगर हम स्कूलों में शामिल करते हैं तो योग बहुत फलपूर्वक हो सकता है और यह हमें बहुत सारे फल दे सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं तीन एक ही प्रश्नकर्ता को मंच पर आमंत्रित करूंगी। प्रियो तुम्हारे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के बाद मैं तुम्हारे विचारों के विपरीत अपना एक प्रश्न लेकर आया हूँ, जो भी कुछ इस प्रकार है कि अगर योग शिक्षा के मिल नहीं पाए गए तो उसको आज तक भारत की शिक्षा प्रणाली में शामिल क्यों नहीं किया गया। धन्यवाद सबसे पहले आपके प्रश्न के लिए, मगर यह बताना चाहता हूँ कि अगर हम योग को बच्चों पर थोपने की बजाय अगर उनको हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो वह उनके लिए फलपूर्वक रहेगा। इससे पहले लोगों को योग के फल के बारे में नहीं मालूम था, मगर आज के इस दौर में लोग यह मानते हैं कि योग हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसके साथ ही साथ यह हमारे मन को संतुलित करने में मदद करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं टीम बी से विपक्षी प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। सुप्रभात। भारतीय शिक्षा प्रणाली में योग शिक्षा की आवश्यकता के विपक्ष में मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। बालक की समस्त शक्तियों का विकास होना आवश्यक है, परंतु अगर हम उसकी बाकी समस्त शक्तियों को रोककर सिर्फ शारीरिक विकास पर ही ध्यान देंगे तो यह अनुचित होगा। शारीरिक विकास मानसिक विकास की अवहेलना करता है। शारीरिक विकास जितना व्यक्ति के लिए आवश्यक है उतना ही मानसिक विकास भी आवश्यक है। आज के मनोवैज्ञानिक युग ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि स्वस्थ मस्तिष्क से ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा योगाभ्यास करेंगे तो यह हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि दरअसल ज्यादा योगाभ्यास करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। हमारे जीवन में योग का बहुत महत्व है, पर उसका यह महत्व तभी है जब हम योग को करें, ना कि उसे विषय के रूप में पढ़ने से। और आज के छात्रों में
वैसे ही रुचि कम है और अगर उसे विषय के रूप में लाया जाएगा तो उनमें यह रुचि और भी कम हो जाएगी। और योग को सही ढंग से ना करने की बजाय गलत करेंगे और इसका उनपे लाभ होने की बजाय हानि करेगा और इससे उनकी पढ़ाई पे अंश संतुलन भी बनेगा जिससे जिसके कारण यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद। मेरे मित्र, आपने जो बोला वो सही है, पर मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा 21 जून को योगा दिवस मनाया जाने वाला भारत की बढ़ती व्यवसायिक और सांस्कृतिक उत्थान को दर्शाती है, आप इससे क्या समझते हैं? इससे मैं यह समझता हूँ कि उस दिन योगा इसलिए होता है ताकि सब लोग योग करें और स्वस्थ रहें, पर इससे यह इससे इसको विषय में लाने कोई मत। Thank you.
शिक्षा मैं भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि योगा हमारे शिक्षा प्रणाली में नहीं होना चाहिए। योगा एक योग्य है, योगा हम सब करते हैं। योगा के फायदे हम सब जानते हैं, पर क्या हम योगा के नुकसान जानते हैं? नहीं। पतंजलि सप्तऋषि ने योगा के फायदों के साथ उन्होंने योगा के नुकसान भी बताए हैं, परंतु हम में से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो योगा के नुकसान भी जानते हैं और फायदे भी। ज्यादा योगा करने से हमें बहुत सी तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे मांसपेशियों में दर्द हो जाता है अगर हम अपने क्षमता से अधिक योगा करें तो। हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर आने लगती है अगर हम अपने कलाई पे ज्यादा जोर डालें तो। योगा लोग योगा का अभ्यास नहीं कर सकते, मात्र कुछ ही लोग हो